नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने आज और कल यानी 10 और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया है। आज के बंद का राज्य भर में मिलाजुला असर देखा गया। सुबह में कई बंद समर्थक सड़क पर उतरे। कई जगहों पर पुलिस के गैर मौजूदगी में बंद समर्थकों ने हंगामा मचाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही सभी भाग खड़े हुए। बंद के कारण यातायात पर असर देखा गया। सड़कों पर प्रदर्शन के कारण कई गाड़ियों को घंटों तक वहीं खड़े रहना पड़ा। वहीं बंद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की जगह जगह पर तैनाती बढ़ा दी गई है। नियोजन नीति से युवा नाराज, छात्र संगठनों का भड़का आक्रोश, झारखंड बंद का मिला जुला असर। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग को लेकर बंद बुलाया है। ये बंद शनिवार से 48 घंटे के लिए बुलाया गया है। झारखंड के कई जिलों में बंद का मिला जुला असर दिखा। कई जगहों पर छात्र संगठनों ने टायर जलाया तो कई जगहों पर सड़क जाम कर विरोध जताया। इस दौरान 60-40 नए चलतों का नारा भी लगाया गया। झारखंड बंद का रांची में भी असर दिखा। रांची में कई जगह बंद समर्थक सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करने लगे। कहीं सड़क पर जाम कर टायर जलाया, कहीं रांची में बस सेवा भी प्रभावित रही। खादगड़ा बस स्टैंड पर बंद समर्थकों ने हंगामा किया, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ा। वहीं रांची में बंद समर्थकों से निपटने के लिए 1500 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 2 दर्जन से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। 60-40 नई नियोजन नीति को लेकर आज और कल छात्रों के द्वारा जो स्टूडेंट यूनियन है उसके द्वारा बंद बुलाया गया है। झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जो छात्र के नेता हैं, और देखिए कि किस तरह से जो रामपुर का जो टाटा का रोड है उसमें पूरी तरह से जो है रोड को जाम करके टायर जला करके और झारखंड बंद का आह्वान कर रहे हैं। और दोनों साइड देखिए कि किस तरह से लगातार जो है नई जो नियोजन नीति 60-40 है इसको लेकर लगातार छात्र जो है उग्र है। झारखंड बंद है जिसका घोषणा हम लोग लगातार 1 महीना पहले से रोज रोज सूचना पहुंचा रहे हैं। लिखित रूप से हम लोग सारे बस स्टैंड हो, बस एसोसिएशन हो, ट्रक एसोसिएशन हो, ऑटो एसोसिएशन हो, बाजार समिति हो, दुकानदार संघ हो, सभी को लेटर भी दिया है और सभी से हाथ जोड़ के आज हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि बस ऑटो दुकान बाजार सब स्वेच्छा से बंद करके हमारा इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। बोकारो में भी 60-40 नियोजन नीति के विरोध में बुलाए गए बंद का मिला जुला असर देखा गया। कसमार, पेटरवार और बेरमो में दुकानें बंद दिखी। वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। वहीं बंद के दौरान बोकारो में स्थानीय लोगों ने विधायक बिरंची नारायण को घेर लिया। इस मामले पर सवाल जवाब करने लगे। फिर विधायक जी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान विधायक जाम से निकलने के लिए लोगों से मिन्नतें करते भी नजर आए। बंद कैसे नियोजन नीति खतियाने आधारित स्थानीय नियोजन नीति जो 60-40 प्रकार का नीति आया है गलत नीति है। 60-40 का हम लोग पूर्ण रूप से कर पहली बार का विधायक आज तक हम लोग का नीति नियम क्यों नहीं बना। अरे यार, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो यार। सरायकेला में भी छात्र सड़कों पर उतरे। छात्रों ने टाटा कांड्रा मुख्य सड़क, 4 लेन और रांची सरायकेला स्टेट हाईवे को घंटों जाम कर दिया। इसकी वजह से घंटों वाहनों की आवाजाही पर रोक लग गई। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों को समझा कर किसी तरह से जाम हटाया। तमाम युवा जो विगत 23 वर्षों से परेशान है रोजगार को लेके, वो व्यक्ति आज सड़क पे आया है रोजगार के चलते, ना कि वो किसी भी आम आदमी को परेशान करने के लिए सड़क पे नहीं आया। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में धनबाद में भी छात्र सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। इस दौरान बलियापुर कर्माटांड बाईपास रोड पर छात्रों ने जाम लगा दिया। दामोदरपुर के पास भी छात्र संगठनों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। छात्र मुख्य सड़क बैंक मोड़ और श्रमिक चौक के बीच गया पुल के नीचे धरने पर बैठ गए, जिससे सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। बाद में पुलिस ने जाम हटाया और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। कि अगर सही से नियम नीति नहीं बना पाते हैं तो आप कुर्सी को खाली कर दीजिए।
कुर्सी पर बैठने के लिए युवा बेरोजगार लोग तैयार हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बुलाए गए झारखंड बंद का हजारीबाग में भी असर देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर निकले और हजारीबाग धनबाद मुख्य मार्ग पर घंटों जाम लगा दिया। इस दौरान युवाओं ने 60-40 नए चलतो के नारे भी लगाए। सेसू के द्वारा घोषणा किया गया है एक महीना पहले कि झारखंड बंद 10 और 11 जून को रहेगा, जिसमें ये विषय वस्तु है 60-40 नियोजन नीति। अगर यहाँ का नियोजन नीति सही नहीं रहेगा तो यहाँ पूरा झारखंड का लड़का सब बेरोजगार हो जाएगा। वहीं दुमका में भी छात्र आंदोलन के लिए सड़कों पर नजर आए। फूलो झानो चौक समेत दुधानी अंबेडकर चौक को छात्रों ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से जगह जगह वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बंद का असर बाजार पर भी पड़ा। तो आज तक हमारे झारखंड के नौजवानों को बातों को अवहेलना कर रहे हैं, जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा झारखंड के नौजवानों को। एक दिन ऐसा आएगा हेमंत सोरेन को कि उसका कुर्सी इस तरह से खिसक जाएगा जिस तरह से उसके सर के ऊपर गाछ शरीर के ऊपर नीचे जमीन नजर आएगा। नियोजन नीति के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान साहिबगंज में शहर के सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को छात्रों ने बंद कराया। वहीं जिले के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। किसी भी राज्य में नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य में, तो हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें। 23 साल हो गया हमारा झारखंड बने हुए और उसके बाद आज जितनी भी पार्टियां आती है सभी पार्टी बोलता है 5 साल हमको दे दो, 5 साल हमको दे दो। हम लोग का समय भी तो आता है ना, उम्र भी हमारा बढ़ते जाता है। कोडरमा में भी बंद का व्यापक असर दिखा। सुबह से ही छात्र और युवा सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस दौरान NH 31 पर जाम लगाया गया। जिस सरकार को हम लोगों ने बनाए, यहाँ से प्रतिनिधियों को हम लोगों ने भेजा विधानसभा, लेकिन आज वो प्रतिनिधि जिन्होंने उसको वहाँ तक भेजा, आज तक उन लोगों ने हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उन लोगों ने एक नियोजन नीति, ठोस नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, ऐसा कोई नीति नहीं बनाया। पाकुड़ में भी 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क को छात्र संगठनों ने 6 घंटे तक जाम रखा। उसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जाम को हटाया और सभी छात्रों को हिरासत में लिया। 300 छात्रों को कैंप जेल नगर थाने ले जाया गया। यार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ये जो है, अब आप यदि देखेंगे तो 9 तारीख से हम लोग का आंदोलन इस बार जारी है। 9 तारीख को जो है सखवा पत्ता के माध्यम से धरवा किया हम लोग। इससे पहले झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने अप्रैल में इस मुद्दे पर 72 घंटे का आंदोलन किया था और 19 अप्रैल को झारखंड बंद किया था। वहीं 9 जून की शाम को छात्र नेताओं ने अलग अलग शहरों में मशाल जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने बंद को सफल बनाने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।